सलाम दोस्तों, वनकम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। हमने यहाँ पे कल का दिन जो है वो बिटकॉइन का हल्विंग, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में, जो कि एक उत्सव होता है, एक फेस्टिवल होता है सबके लिए, क्रिप्टो इंथुजियास्ट के लिए या क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, क्रिप्टो एनालिस्ट के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है बिटकॉइन हल्विंग। क्योंकि बिटकॉइन का हल्विंग के बाद यहाँ पे बिटकॉइन का रिवर्ड रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पे बिटकॉइन का सप्लाई में एक क्रंच आता है, मतलब सप्लाई शॉर्टेज होता है, डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, ऑल्टकॉइंस में प्राइस इंक्रीज होता है, मतलब हर तरफ जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट नजर आता है बिटकॉइन का हविंग के बाद। अब इस बार का हविंग जो है यहाँ पे कल का दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मतलब 20 अप्रैल को यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 2024 का। अभी से यहाँ पे जितना मतलब डेली बेसिस पे बिटकॉइन जो कि यहाँ पे माइन किया जाएगा वो यहाँ पे है 450। इसका पहले मतलब 19 अप्रैल तक यहाँ पे जो है बिटकॉइन माइन किया जाता था और रिवार्ड मिलता था डेली बेसिस पे, अगर हम बात करें 900, और अभी यहाँ पे हाफ होके 450 हो गया है। अब 2028 में जो हविंग होगा आज से 4 साल बाद, तब जो है 450 को यहाँ पे फिर से डिवाइड होकर 225 जो है वो यहाँ पे BTC माइन होगा, मतलब 2028 के बाद, हविंग के बाद, और भी ज़्यादा यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो हर 4 साल बाद जो है वो यहाँ पे रिवार्ड रेशियो जो है वो हाफ होते जाता है, इसीलिए सप्लाई मार्केट में यहाँ पे घट जाता है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है। आज से अगर हम बात करें ब्लॉक्स जो है वो रिमेनिंग रहेगा, मतलब 2028 में जितना भी ब्लॉक सॉल्व होगा वो यहाँ पे करीब 840,000 ब्लॉक जो है वो यहाँ पे सॉल्व होना है, और जब यहाँ पे 840,000 ब्लॉक सॉल्व होगा तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे चार साल जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मार्केट में आ रहा है बिटकॉइन में, डेफिनेटली यहाँ पे हविंग के साथ साथ इमीजिएटली हमको यहाँ पे एक रैली जो है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तरीके से रैली जो है वो देखने को नहीं मिलता है। पहला एक महीने में शायद यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा, इस बार ये महीना जो है शायद यहाँ पे नेगेटिव में जा सकता है, 1-2%, 4% या 7-8% पॉजिटिव में जा सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। इसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है वो यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिविटी आते हुए देखने को मिलेगा। अब देखिए, हर बार हमको पता है बिटकॉइन का यहाँ पे हल्विंग के बाद, बिटकॉइन का हल्विंग होने के बाद बिटकॉइन प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, और जब यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है उसके बाद जो नया ऑल टाइम हाई बनाता है वो बनाते हुए शायद उसको यहाँ पे करीब यहाँ पे 225 डेज से लेके 300 डेज के आसपास जो है वो लगता है। मतलब अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, इतना दिन जो होते हुए आ रहा था बिटकॉइन का हल्विंग के बाद वो अपने ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बनाने में 200-250 दिन से लेके यहाँ पे 300 दिन के आसपास लगता है। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें डिफरेंट हो गया, जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन का हविंग से पहले ही उसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लिया। अब बताया गया जा रहा है कि नया ऑल टाइम हाई क्रॉस करने में जैसे यहाँ पे 250 दिन लगेगा, तो इस बार का यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए अगर करेगा तो यहाँ पे दिसंबर में यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 2024 का दिसंबर या 25 का जनवरी में यहाँ पे हमको एक साल में, करीब एक साल के अंदर जो है वो ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाएगा। ट्रेडिशनली अगर होता, मतलब बिटकॉइन हविंग के बाद प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता, तो हमको करीब 1.5 साल जो है वो इंतज़ार करना पड़ता, मतलब 2025 का सेप्टेम्बर अक्टूबर के आसपास जो है वो हमको यहाँ पे बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए देखने को मिलता। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें डिफरेंटली प्ले आउट हो रहा है, इसी की वजह से हमको यहाँ पे करीब और कम समय जो है वो लगेगा बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाने में। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑल्ट, मतलब जितना भी कॉइन है ऑल्ट कॉइन, सभी के सभी यहाँ पे तबाही मचाएंगे इस बार, क्योंकि हर बार ये बता रहे हैं कि मार्केट में पैसा जो है वो धड़ाधड़ आ रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स व्हील्स जो है वो मार्केट में पैसा जो है वो यहाँ पे ला रहे हैं। अब हमने बात किया है इस बार, देखिए काफ़ी सारे लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि ये तो मतलब ETF का आ गया, इसे ETF के आने के बाद और क्या चीज़ रह गया, और क्या बड़े इवेंट रह गया जिसके वजह से यहाँ पे बिटकॉइन जो है आसमान छुएगा बिटकॉइन का प्राइस। देखिए इसका मैंने एक्सप्लेनेशन मेरे एक दूसरा वीडियो में किया है, वो वीडियो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा या एंड कार्ड पे लगा दूंगा, वो आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में काफ़ी सारा चीज़ें जो है वो रह गया है, सेंट्रल बैंक का अडॉप्शन रह गया है, इंडिविजुअल यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो रह गया है, काफ़ी कुछ चीज़ें रह गया है, जिसके चलते हमको 2028 में भी बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा, उसके 4 साल बाद भी बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा, मतलब करोड़ों में जाके पहुंचेगा बिटकॉइन का प्राइस। तो ये चीज़ें होगा। अब इन चीज़ों को अपार्ट में रखते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, ऑल्ट कॉइंस का यहाँ पे सीजन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, धड़ाधड़ यहाँ पे ऑल्ट कॉइंस रिटर्न बना के दे रहे, शिबा इनू कॉइन, जो भी कॉइन, फलाना ढिमकाना, सब कॉइन आज का दिन यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमें पहली बार देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर देना, वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, वॉचिंग क्रिप्टो केबल। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हल्विंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हल्विंग जो है वो यहाँ पे 2028 में है, और यहाँ पे नेक्स्ट हल्विंग के लिए ब्लॉक रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे 8,40,000 जो है वो ब्लॉक रिमेनिंग है, मतलब करीब 4 साल जो है।
तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे रह गया। करेंटली बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $65,000 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या कुछ चीज़ें चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्ट कॉइंस 24 आवर्स का अगर हम बात करें तो ऑल्ट कॉइंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी में है। सभी कॉइन जो है वो अच्छा खासा, शिबा इनू का अगर हम बात करें 14% जो है वो इसने यहाँ पे रिटर्न दिया है, इसी हफ्ते में 19% का रिटर्न दिया है। तो सभी के सभी कॉइन जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी में जा रहे हैं हविंग के बाद। ऑल्ट कॉइंस का यहाँ पे बूम स्टार्ट हो गया और अभी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे कुछ दिन, बीच में थोड़ा नीचे आएगा लेकिन कंटिन्यू रहेगा यहाँ से फ्लो जो है वो आपको ऊपर की दिशा में। और यहाँ पे डिक्रीज या बड़े क्रश अगर बड़ा खराब से खराब न्यूज़ मार्केट में नहीं आता है तो इतना बड़ा क्रश जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। नियर प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं 10% पंप है, तो सभी के सभी कॉइन जो है वो यहाँ पे 10% 20% से यहाँ पे 5% से यहाँ पे पंप दिखा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे अपना क्रिप्टो केवल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डालते रहेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले टाइम में शायद प्रीमियम हो जाए, मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ, मैं एक्टिवली यहाँ पे नहीं रह रहा हूँ, एक्टिवली काम नहीं कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन आने वाला समय में जो चीज़ें आपको मिलेगा शायद ही आपको यहाँ पे कहीं और से मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही चीज़ें प्रीमियम चीज़ें जो है वो आपके लिए यहाँ पे प्लान जो है वो कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। अब इंपॉर्टेंटली बात करते हैं, जबकि अपने यहाँ पे थंबनेल पे देखा है कि शिबा इनू कॉइन का यहाँ पे ₹1 में या $1 में जाने का इंतजार सपना जो है वो हर बच्चा यहाँ पे कर रहा है, हर बंदे जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। सिर्फ इंडियंस नहीं, इंडियंस पाकिस्तानी अफगानिस्तान जितना भी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी है, जितना भी कंट्री में लोग क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के बारे में जानते हैं और उसका $1 में जाना $1 में जाना काफ़ी ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं। अब $1 में जाने के लिए तो यहाँ पे हमने क्लियरली बोला है 500 something trillion जो है 500 something trillion होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बर्निंग बहुत ही तेजी से होता है तो हमको $0.01 मतलब ₹1 में इंडियन करेंसी में ₹1 में जाने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो बन जाएगा। इस बार का जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है बर्निंग उस हिसाब से होना पड़ेगा। देखिए मैं बर्निंग का पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि बर्निंग चाहिए यहाँ पे चाहिए, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखना। लेकिन कंजर्वेटिवली अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन में अच्छा खासा यहाँ पे एक बर्निंग होता है तो हमको 10 पैसे से लेके यहाँ पे 30-40 पैसा तक हाईएस्ट जो है वो हमको यहाँ पे इस बार का बुल सीजन में देखने को मिल सकता है यहाँ पे शिबा इनू कॉइन में कंजर्वेटिवली अगर हम बात करें। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे शिबा इनू कॉइन का अगर हम बात करें, शिबा इनू इनसाइडर कॉन्फिडेंट शिबा प्राइस स्टिल ऑन कोर्स फॉर अल्ट्रा बुलिश सुपर साइकिल। अब शिबा इनू का यहाँ पे हम हर बार ये चीज़ें बोलते आ रहे हैं कि शिबा इनू ट्रैक से जो है भटका नहीं है, अभी भी यहाँ पे ट्रैक पे ही है और शिबा इनू ट्रैक से भटकेगा भी यहाँ पे नहीं, क्योंकि कम्युनिटी इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए अगर आपको वीडियो में शोर आ रहा है तो यहाँ पे जो अभी करंटली यहाँ पे इलेक्शंस का रैली जो है वो चल रहा है उसका आवाज़ शायद आपको वीडियो में सुनाई दे रहा होगा, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो अगर हम बात करें शिबा इनू का यहाँ पे तो अल्ट्रा बुलिश यहाँ पे सुपर साइकिल जो है वो इसके लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है। हमने हर बार देखा है कुछ इवेंट होता है, इस बार का यहाँ पे ETF और इन सब की वजह से शिबा इनू जो है वो शांत यहाँ पे सोया हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे जागेगा इस वक्त और यहाँ से काफ़ी बड़ा रिटर्न जो है वो शिबा इनू बना के देने के लिए पे तैयार हो रहा है। तो इसके लिए आप शिबा इनू कॉइन में डेफिनेटली रहना, जितना भी इंसाइडर है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, व्हेल्स जो है वो कॉन्फिडेंट है, सभी के सभी जो है कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंट होते हैं मार्केट में लोग किसी प्रोजेक्ट को लेके तो उसमें यहाँ पे निवेश जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका प्राइस में इंक्रीमेंट आता है। अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन का यहाँ पे एक और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा कि शिबा इनू जो है वो यहाँ पे 18% हो गया है रिकवर जो है वो इसने कर लिया है बिटकॉइन का हविंग के बाद। तो कोई भी यहाँ पे इवेंट होता है तो शिबा इनू कॉइन इस बार जो है वो यहाँ पे हविंग के बाद से यहाँ पे जो भी छोटा बड़ा यहाँ पे इवेंट रहेगा उस पे रिएक्शन जो है वो शिबा इनू कॉइन देगा। इतना समय से हमने ये चीज़ होते हुए नहीं देखा, लेकिन इस बार से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है क्योंकि हविंग के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें तो होना ही था यहाँ पे। और शिबा इनू का इनसाइडर भी यहाँ पे काफी ज्यादा व्हील्स जो है वो एक्टिव हो रहे हैं या इसमें नए नए इंटीग्रेशन जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। बाकी हमने यहाँ पे 5 बेस्ट यहाँ पे ऑल्ट कॉइंस के बारे में बताया है जो कि यहाँ पे काफी बढ़िया आने वाले टाइम में हैल्विंग के बाद से यहाँ पे आने वाले टाइम में बुल रैली में काफी बड़ा यहाँ पे रिटर्न बना के दिखा सकते हैं। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा साइड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पे जाके देखिए आपको डिटेल में समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।